हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज के बारे में। बहुत बच्चे कहते हैं कि उनका एडमिशन इस बार हो रहा है, और आपको पता होगा 2020 में इसके जो ये कॉलेज एक ऐसा कॉलेज था जिसकी सबसे पहली कट ऑफ निकली थी। फर्स्ट कट ऑफ में भी सबसे पहली कट ऑफ इस कॉलेज की ही निकली थी। तो बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि भाई जो CVS कॉलेज है वो कैसा कॉलेज है और उनका एडमिशन इस कॉलेज में हो रहा है, तो एडमिशन ले या ना ले। तो चलिए इस वीडियो में पूरा हम इस कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी एजुकेशन रिलेटेड क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, वरना मुझे से इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम जो आपकी आईडी है, जो मेरी मतलब इंस्टाग्राम की आईडी है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उसको जाकर फॉलो भी कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज वहाँ पे पूछ सकते हैं। अब हम मेन देख लेते हैं जो ये कॉलेज है वो कैसा कॉलेज है। तो मैंने आपको पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं तो वो सारे एक गवर्नमेंट कॉलेज है, और CVS भी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है। अगला है, यहाँ पे कोई भी जेंडर एक्सेप्टेड वगैरह नहीं है, मतलब कि यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स दोनों ही अलाउड है। तो बच्चों को लगता है कि ये कॉलेज मतलब कि सिर्फ गर्ल्स का है, सिर्फ बॉयज का है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ बॉयज या गर्ल्स का नहीं है, ये ऑल ओवर मतलब कह सकते हैं बॉयज और गर्ल्स। यहाँ पे जेंडर को कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हम एक टाइप का नहीं है। अगला है, यहाँ पे पर ईयर कितने बच्चे एनरोल करवाते हैं, कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो वो है टोटल 2000, मतलब 2846। तो हम देख सकते हैं टाइप से हम बोलेंगे तो 2800 करीब यहाँ पे बच्चे एडमिशन लेते हैं। इसमें कॉलेज के बारे में बता रखा है, तो ये हुआ है मतलब कि ये कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ है, तो वो हुआ है 1972 में। और ये कितना बड़ा कॉलेज है, तो वो ये है 10.15 acres का इसके पास मतलब जमीन है इस कॉलेज के पास। वही अगर हम देखें कि ये 7 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि है BA वोकेशनल स्टडीज के रिलेटेड, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंश्योरेंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड रिटेल बिजनेस, स्मॉल एंड मीडियम ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे और कोर्सेज की हम फीस वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। और हम मेन देखने वाले हैं इस कॉलेज की फीस कैसी है। तो मैं आपको बता दूँ, इस कॉलेज की फीस जो सारी कोर्सेज के लिए सेम है, क्योंकि मैंने वोकेशन कोर्सेज है और वोकेशन कोर्सेज की जो फीस है वो चेंज नहीं होती है, सबकी सेम ही रहती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हम पहला अगर हम देखते हैं तो वह है BA ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वोकेशनल स्टडीज। और मोस्टली जितने भी हैं तो सब में मोस्टली 110-120 मतलब 100 के करीब तो सीट्स हैं यहाँ पे। और जो फीस है वो है 30.45K, मतलब कि जो टोटल फीस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में 3 लाख के करीब आपके लग सकते हैं। अगला इसमें हम आ जाते हैं तो वह है एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना आप मुझे बता सकते हैं तो मैं आपके लिए दूसरी वीडियो वो पूरी एडमिशन प्रोसेस के लिए बता दूंगी। अगला इसमें है कि आपको जैसे आप इस कॉलेज से जो अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको कितने करीब तक पैकेज मिल सकता है, तो वो है 4.27 लाख। तो बहुत बच्चों को मतलब इसके लिए फायदा होने वाला है, जैसे कि आपको पता है आर्यभट्ट या आचार्य वगैरह के लिए भी इतनी फीस मतलब आपको हम बोल सकते हैं सैलरी नहीं मिल रही थी। वही अगर हम देखें तो यहाँ की सैलरी बहुत ही अच्छी मिल रही है। और वही प्लेसमेंट के अगर हम देखें तो UG के जो कोर्सेज होते हैं कितने साल के होते हैं, तो वो कम से कम 3 साल तक के तो होते ही होते हैं। अगला, यहाँ पे बहुत सारी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि लाइब्रेरी की, स्पोर्ट्स की, कंप्यूटिंग सेंटर की, कैफेटेरिया की और ऑडिटोरियम की। अब हम देख लेते हैं छोटी सी मतलब मेन की क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और क्या क्या नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे हॉस्टल्स की आपको मतलब प्रोवाइड एक टाइप से हम कह सकते हैं तो नहीं किया गया है। अगला मेन यहाँ पर है तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, कैफेटेरिया, ऑडिटोरियम, वाईफाई, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, एलुमनाई एसोसिएशन, ये सब चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है। जो इसमें हम बोल सकते हैं मेन हिस्से में बच्चों के लिए है, तो वो तो हम एक बोल सकते हैं, तो एक बच्चों के लिए चाहिए होते हैं स्पोर्ट्स। दूसरा अगर हम बोलेंगे तो वो है वाईफाई। बच्चे आजकल वाईफाई के बिना तो रह ही नहीं पाते, और आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है ये तो कि आपको वाईफाई इस कॉलेज में प्रोवाइड किया जा रहा है। अगला आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बच्चों ने स्टूडेंट्स ने अपना रिव्यू दे रखा है, और कई बच्चों ने बोला भी है कि मतलब उनका कॉलेज उनको कैसा लगता है। तो एक बच्चे ने बताया है, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माई कॉलेज लाइफ, आई हैव मेड अमेजिंग मेमोरीज हेयर। तो बच्चों ने बताया कि हाँ भाई उनका कॉलेज उनको बहुत ही अच्छा लगता था, और उनको क्या क्या अच्छा लगता था उसके बारे में पूरा बता रखा है। आई वुड सजेस्ट यू दिस कॉलेज एज इट वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। तो ये बच्चों ने बता रखा है कि बहुत ही अच्छा कॉलेज है, और आई जस्ट लव माई कॉलेज। तो बच्चों के रिव्यूज है तो आप पूरा पढ़ सकते हैं। तो बच्चों ने अपना वैल्यू फॉर मनी भी बता रखा है कि यहाँ पे जिस हिसाब से फीस है उस हिसाब से मतलब फैसिलिटीज है या नहीं है। तो देख लेते हैं तो बच्चों ने वो क्या बता रखा है। फीस इज क्वाइट अफोर्डेबल, क्योंकि मेरा फीस सिर्फ 10,000 है, तो ज्यादा फीस नहीं है, तो जो कि हम कह सकते हैं काफी अफोर्डेबल है। अगला मेन है, इज लेस देन अदर DU कॉलेजेस। वो सही बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत कॉलेजेस की बहुत ज्यादा फीस भी है, पर यहाँ पे कम फीस है। द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड आर साउंड एंड हैज वन गेट मोर देन वन स्टार्स, मतलब कि
आपको जिस हिसाब से आपको फीस देनी होती है उससे ज्यादा आपको सैलरी, अगर हमें आपको फीस अपनी जैसे फीस हम कहते हैं ना पेमेंट आपको वापस हो जाती है, तो आपको सैलरी बहुत ही अच्छी मतलब मिल जाती है। आई फील माई मनी इज वर्थी इन दिस कॉलेज। वी नॉट ओनली गेट वेरियस अपॉर्चुनिटीज बट नॉट ओनली इन अकेडमिक्स बट इन अदर फील्ड्स टू। तो इस बच्चे ने बताया कि उसको सिर्फ एक अकेडमिक जो हम कह सकते हैं सिर्फ एक पढ़ाई पढ़ाई नहीं, तो उसे बहुत आगे अच्छी अच्छी फील्ड्स की भी जानकारी मिलती है। और मेन जो बात है वो है इट इज अ वेरी गुड रेपुटेशन। तो इस बच्चे की बहुत ही अच्छी रेपुटेशन में बन गई है इस कॉलेज में भी और बाहर भी। अगर हम देखें तो इस बच्चे ने 5 स्टार बहुत सारी चीजों को दिए हैं, तो हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस वगैरह एरिया को, या फिर हम बोले अकेडमिक्स वैल्यू ऑफ मनी, तो इस बच्चे ने बहुत सारी चीजें बता रखी है। वही अगर हम देखें इस बच्चे की प्लेसमेंट के बारे में, तो उस बच्चे ने 3 स्टार ही दिए हैं क्योंकि उसे या तो हो सकता है प्लेसमेंट उसे पसंद ना आई हो। तो उस बच्चे ने कॉलेज की एक फोटो भी प्रोवाइड कर रखी है, तो आप इस फोटो को भी पूरा देख सकते हैं। अगला हम आ जाते हैं वापस से बैक पे। अब हम ये वापस बैक पर आ जाते हैं और उसके बाद हम देख लेते हैं इस कॉलेज के बारे में पूरी जो मेन मेन इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीजें। तो अब हम आ गए बैक और उसके बाद आप देख सकते हैं ये सारे रिव्यूज है बच्चों के, तो आप इन सबको पढ़ भी सकते हैं अच्छे से। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।